नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दबौली वेस्ट में रहने वाली 15 वर्षीय खुशबू ने थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा पर देर रात थाने में डांस कराने का आरोप लगाया। आरोप का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में लड़की रोते रोते आपत्ति सुना रही है। 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उसके सामने डांस नहीं कर सकते, रात भर बैठा ले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ पे डेली रो रो के सर से बताते हैं, सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे, हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस करने के लिए, कहते मेरे सामने डांस करके दिखा तब मानेंगे। मेरे भाइयों को भी दो छोटे छोटे बुलाते हैं थाने में, 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उसके सामने डांस नहीं कर सकते, रात भर बैठा ले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ पे डेली रो रो के सर से बताते हैं, सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे, हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस करने के लिए, कहते मेरे सामने डांस करके दिखा। किशोरी ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और वह अपनी मां चंदा व दो छोटे भाइयों के साथ किराए पर रहती है। वह जागरण पार्टी में काम कर परिवार का पेट पालती है। पूर्व में वह दादानगर मिश्रलाल चौराहे पर थी। अनूप नाम के व्यक्ति ने ताला डाल दिया था, इसे लेकर वह थाने में 8 अगस्त को शिकायत करने गई थी। तभी इंस्पेक्टर ने पहले उसे डांस करने को कहा और देर रात तक थाने में रोकने के बाद भेज दिया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि मामला कब्जे के विवाद का था। किशोरी ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए झूठा आरोप लगाया है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है, लोग यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।